कि 2024 और 25 आते आते नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे, कोई देखने वाला नहीं। नमस्कार, डीएनडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ शिवांगी। सीतामढ़ी पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में कहा कि सीएम नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि 2024 और 25 आते आते सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे, 2024 और 25 आते आते उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने इस तरह का बयान दिया था, जिससे जदयू के लोग काफी भड़क गए थे। उन्होंने यहां तक कि उनसे माफी मांगने तक की बात कह डाली थी। अब देखना ये होगा कि इस विवादित बयान पर जो सम्राट चौधरी ने फिर से दे दिया है, उस पर जदयू की क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो देखने वाली वो बात होगी। खैर, आप उससे पहले ये सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। 2025 में ये जो पलटू बाबू है, पलटू कुमार जी, ये अब नहीं रहने वाले हैं। आजकल जगत गुरु जी, मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी तो आजकल गजनी फिल्म लोगों ने देखा, और गजनी फिल्म में दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। उसका जो हीरो है अमीर खान, वो मेमोरी लॉस कर जाता है, कुछ देर तक के लिए उसको याददाश्त खत्म हो जाता है। वही स्थिति बिहार में हो गई है साथियों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था 2020 में कि हम बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे, इसलिए कमिटमेंट और हम लोगों ने बैठाया, लेकिन अब वो भाग कर चले गए। तो जो भाग के चला जाता है उसको फिर वापस लिया जाता है, नहीं लिया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि अब नीतीश कुमार को फिर से भारतीय जनता पार्टी में कोई एंट्री नहीं मिल सकती है साथी। और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद तो पूरे क्लियर हो गया होगा बाबा। और जगत गुरु जी, आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और बिहार को आशीर्वाद दीजिए कि बिहार में सुशासन स्थापित हो। और हमने तो साफ तौर पर कहा है कि 2024 और 25 आते आते नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे, कोई देखने वाला नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।